लीक की साफ शाफा तहकीकात चाहते हैं, मेरा मुतालबा मान ले और घर खले जा। हमें बताएं कि आपके असासे किधर हैं और कितने हैं। अगर पाकिस्तान में किसी को बाबा आदम कहा जाएगा ऑफशोर कंपनी का, तो वो टाइटल इमरान खान साहब के सर पर सजेगा। सबसे बड़ी मुल्जम पार्टी तहरीके इंसाफ। बड़ी अफसोसनाक बात है कि मुल्जम नंबर वन परवेज रशीद साहब ने इमरान खान साहब को उठाया। मुल्जिम नंबर वन वजीर आजम साहब खुद हैं जिन पर इल्जाम पूरी कौम ने लगाए हैं। तो ये कहना कि ऑफशोर कंपनी बनाई मेरा जायज बनता था क्योंकि मैं इंग्लैंड का टैक्स शहरी नहीं हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, अपोजिशन के मुतालबे के बाद और अपोजिशन के पार्लियामान से गुज़श्ता कई रोज़ से बॉयकॉट के बाद बिलाखिर कल वज़ीर-ए-आज़म साहब मियां नवाज़ शरीफ साहब कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और इस इशू पर यानी पैनामा लीक्स के जो इंकशाफात हैं, जो इल्ज़ामात उनके ख़ानदान पर लगाए गए हैं, उस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। जो हमारे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अपोजिशन की जानिब से 7 सवालात उठाए गए थे कि वज़ीर आज़म साहब आएँ और पार्लियामान में उस हवाले से वजाहत करें कि वज़ीर आज़म साहब फ़िलवक्त उसके मूड में नहीं हैं वो जवाबात देने के हवाले से, लेकिन जो अपोजिशन के सवालात थे कि 1985 के बाद के जो असासाजात हैं, जो आमदन है, जो अदाशुदा टैक्सेस हैं, जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उनका सरमाया है और जो लंदन में अपार्टमेंट्स की तफसीलात हैं वो हमारे सामने रखी जाएँ, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो इस हवाले से पहले ही वजाहत से बात कर चुके हैं कि वो पार्लियामान में पार्लियामान वाली बात करेंगे और कमीशन के अंदर कमीशन की बात करेंगे। तो कल पार्लियामेंट के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या वजीर आजम साहब अपने उस पॉलिसी बयान से ऑपोजिशन जो कि बहुत चार्ज्ड अप इस वक्त नजर आ रही है उन्हें मुतमईन कर पाएंगे? उनके सवालात के जवाबात अगर नहीं दिए जाते तो फिर ऑपोजिशन क्या करेगी? क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लतीफ खोसा साहब ने भी ये बात की है कि अगर कल कौमी असम्बली के इजलास के अंदर वजीर आजम साहब ने हमारे सवालात के जवाबात नहीं दिए तो हम उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे। तो ये कितना एक ऑप्शन है, अपोजिशन इस पर कितना सोच रही है, क्योंकि जो अपोजिशन की जानिब से भी TORs बनाए गए हैं उसमें ये बात नहीं की गई है। अलबत्ता वो तमाम सवालात जिसका मैं आपके सामने अभी जिक्र कर रही थी वो ज़रूर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म उस हवाले से जवाब जो है वो हमारे सामने रखें। और साथ ही साथ इमरान खान साहब की भी, क्योंकि ऑफशोर कंपनी का जब से इंकशाफ हुआ है तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ जो है वो उस हवाले से भी तनकीद का नश्तर बरसा रही है। आपने भी थोड़ी देर पहले मुंताज में भी देखा कि अब मुल्क में 5 महीने गुजर जाने के बाद पैनामा लीक्स के बाद सियासी दर्जा हरारत में उसी तरीके से तेज़ी जो है वो जारी है और साथ ही साथ मुल्ज़िम नंबर वन कौन है इसका भी तायुन करने की दोनों जमातें कोशिश कर रही हैं। तो कल ये भी इम्कान है कि हुकूमती अरकान जो हैं वो इमरान खान साहब के लंदन में फ्लैट के हवाले से और उनकी ऑफशोर कंपनी के हवाले से भी सवालात उठा सकते हैं और इमरान खान साहब से, उनकी जमात से उसके जवाबात भी मांगे जा सकते हैं। बहरहाल आज इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठने जा रहा है, कल के इजलास में क्या कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है वज़ीर आज़म के ख़िताब से, इस हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें कराची में शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, डेप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से, डेप्टी पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों की तशरीफ आवरी का। शाह साहब, अगर आप ही से सबसे पहले आगाज़ करते हैं, जो इत्तलात हैं, चले ये तो बहुत खुशाइंद है कि वज़ीर आज़म साहब आखिर आप लोगों के शिकवे के बाद, बॉयकॉट के बाद अब कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने आ रहे हैं, कल अगर वाकई में आपके सवालात के जवाबात नहीं मिलते तो फिर ये मामला किस नहज जाएगा? पहली बात तो यह है कि कल हमने इस सिलसिले में जो नई सूरत हाल सामने आई है, नई सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत का जो ख़त था वो मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने हुकूमत की टर्म्स पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। ठीक, अब अपोजिशन की जमातों ने कल 3 बजे कायद हिजब इख्तलाफ के दफ्तर में इजलास बुलाया है और उसमें हम इस नई सूरत हाल को सामने रखते हुए, असम्बली की कार्रवाई को सामने रखते हुए हम आपस में तबादला ख्याल करेंगे और तबादला ख्याल के बाद एक लाहेमल मुरतब करेंगे।
میری پانچ گزارشات ہیں جو میں وزیراعظم صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلے تو ان نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. وہ قائد ایوان ہیں, وہ اس ملک کے منتخب وزیراعظم ہیں اور پارلیمانی جمہوریت میں ایوان کو جواب دے ہیں. میرا پہلا ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ آئیں اور سات سوالات جو اپوزیشن نے متفقہ طور پر مرتب کیے ہیں ود ڈاکومنٹیشن ان کا جواب دیں. میری دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر میں ایک کمیٹی اناؤنس کریں جو کہ حکومت کی کمیٹی ہوگی جو اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرے گی تاکہ ایک متفقہ ٹی او آر بن پائے. میری تیسری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ ایک لیگل کمیٹی بنائی جائے جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں, حکومت کے لوگ بھی ہوں, اور وہ بیٹھ کر جو نیا قانون سازی ہونی ہے جس قانون کی بنیاد پر چیف جسٹس کے کہنے پر جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے وہ تشکیل پا سکے. میری چوتھی گزارش یہ ہوگی چاہیے کہ انوائرمنٹ کو فعال اور ایک شفاف تحقیق کے لیے وزیر اعظم اگر سٹیپ ڈاؤن کر لیں تو ایک اچھی روایت ہوگی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ہندوستان میں مثال ہے. اور اپنا پانچواں, اپنی ہی پسند کے, اپنی جماعت کے جس کو مناسب سمجھے نامزد کر دیں اور وہ ایک انٹرم پیریڈ میں اپنا فرائض منصبی سنبھالیں تا وقت کہ انہیں جوڈیشل کمیشن کلیئر کر دے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہو جائے تو کل ان کا آنا سود آمد ہوگا اور ہم اس بحران سے باہر نکل آئیں گے. صحیح. اور یہ جو آپ جب یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے بہت جامع انداز میں پانچ نکات سامنے رکھے ہیں, یہ آپ کے ذاتی طور پر ہیں یا پوری پاکستان تحریک انصاف کا اس پر اتفاق ہے, تمام لوگ اس میں شامل ہیں؟ میں یہ میں کل انشاءاللہ اپنی جو قائدین ہیں حزب اختلاف کی جماعتوں کے ان کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور پھر یہ اس پر تبادلہ خیال کریں گے اور پھر جو متفقہ اپوزیشن فیصلہ کرے گی اس پہ آمین کریں گے. رائٹ. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو باتیں آپ نے سینیٹر صاحب سنی ہیں اور پانچ نکات پہ حکومتی کمیٹی جو کہ اپوزیشن سے بات کرے گی, پھر لیگل ٹیم کا بھی تذکرہ, لیکن آخری نقطے پہ ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں کہ انٹرم پیریڈ کے لیے اپنی ہی پارٹی کے کسی اور شخص کو نامزد کر لیں جب تک یہ تحقیقات چلتی ہیں. یہ پہلے بھی بات اٹھی تھی اور آپ لوگوں کی جانب سے اس پر انکار کیا گیا تھا, اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا. اب جب کہ چیف جسٹس صاحب کے جوابی خط کے بعد جو کہ آپ لوگوں کے ٹی او آرز تھے اس کے مطابق کمیشن بنانے سے انکار کر دیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان نکات پر, ان مطالبات پر آپ کو آنا پڑے گا, حکومت پر پریشر جو ہے وہ بڑھا ہے مزید؟ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا سو کائن. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر آج ہم بلیم اور کاؤنٹر بلیم کی گیم کھیل رہے ہیں اور ہمارا مطمع نظر کرپشن کا خاتمہ نہیں بلکہ پرسنلائزڈ ہر چیز ہوئی ہے. آپ نے اگر کرپشن کو ختم کرنا ہے تو جو شاہ محمود قریشی صاحب کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو بڑی ویلڈ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. انہوں نے یہ کہا پرائم منسٹر کل آئیں گے, یہ بڑا ویلکم ہے, آنا چاہیے اور آنا چاہیے پارلیمنٹ کے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے ٹی آر بنائیں, تو دس اگین از ویری گڈ بیکاز کرپشن ایک پی ایم ایل این کا یا تحریک انصاف کا یا پی 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 کا کے مسئلہ نہیں ہے. بٹ اگر یہی کام حکومت پہلے کر لیتی, مشاورت کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ ٹی او آرز بنا لیتی. آپ مجھے کراس ایگزامن بعد میں کریں. نہیں, میں کراس ایگزامن نہیں کری کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر آپ پہلے کر لیتے تو آپ کے ٹی او آرز ریجیکٹ بھی نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مسلم لیگ نون کا ایک اپنا سٹینڈ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے کہیں, اور جن لوگوں کا نام ہے مثلا عمران خان وغیرہ یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہے یا کسی کا بھی ہے, تو وہ بھی ملزم بھی نہیں ہے. مجرم تو دور کی بات ہے, بیکاز یہ ایک لیگل بین الاقوامی سطح پہ مانی ہوئی چیز ہے کہ آپ آف شور کمپنیز بناتے ہیں اور اس کے اندر ان کو ٹیکس ریلیف اور ٹیکس ہالیڈیز بھی ملتی ہیں. یہ کوئی الزام یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر یہ پتہ لگے کہ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں اور جس بندے کے بھی ہیں, چار پانچ سو بندے پاکستان کے ہیں, تو وہ جسٹیفائی کریں کہ کیسے ہیں اگر وہ پاکستانی ہیں اور باہر ان کے پیسے گئے ہیں. یا اگر آپ نے جو اینول ٹیکس ریٹرن دی ہے کیا اس کے اندر آپ نے شو کیا ہوا ہے؟ یہ اصل معاملہ یہی ہے. کمپنیاں تو چلے ایک معمول کی بات ہے, کاروبار لوگ کرتے ہیں, لیکن جاننا یہ سب چاہ رہے ہیں کہ پیسہ کیسے گیا ہے. آپ سوچیں, آپ انصاف خود کریں کہ جن لوگوں کے تو نام ہیں, جن کی کمپنیز ہیں, وہ تو مبرہ ہیں, وہ تو خود اپنی ڈیمانڈز ریز کر رہے ہیں, اور جن کا نام نہیں ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ٹو تھرڈ میجارٹی والا تھرڈ ٹائم بن کے پرائم منسٹر ہے ملک کا اور اس کا نام تک نہیں ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہٹ جائے.
और हटने के बाद ये बात करें, मेरे ख्याल में वी शुड बी रीजनेबल एंड आई एम श्योर कि सारी पार्टीज़ इसके ऊपर पहले भी उन्होंने जो TOR बनाई है उसके अंदर ये नहीं लिखा कि जी आप उधर से हट जाएं। कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आई एम श्योर कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने भाइयों को पार्लियामेंट के अंदर अपने कोलीग्स को उनको मुतमईन करने के लिए वो एक पूरा कॉन्सेप्चुअल अपनी एक पोजीशन को सामने रखेंगे कि क्या उनकी सोच है और क्या होना चाहिए और उसके ऊपर देखिए। लेकिन आपका अभी तक स्टांस वही है कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का नाम नहीं है और जिन लोगों के नाम है तो वो आप लोगों से डिमांड्स जो है सामने रख रहे हैं। एक ब्रेक यहाँ पर ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो शैला रजा साहिबा से भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सेनेटर साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर यही चीज़ कल इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से भी सामने रखी जाती है, जो कि इत्तलात आ रही हैं कि वो जिक्र ज़रूर करेंगे, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कमेटी बनाने की बात की, ये भी इत्तला है कि कमेटी बनाने की बात हो सकती है, लेकिन अगर वही लहजा या वही बातें की गई जो जिस तरीके से पैनामा लीक्स के हवाले से दो बार कौम से खिताब में उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ वो माजी की जो होने वाली ज्यादतियां हैं उनका जिक्र किया, तो इस इशू का हल किस तरीके से निकलेगा, बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शैला रजा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तो सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो पांच नुकात सामने रखे हैं उस पर रोशनी डालिएगा और जिस तरीके से वो कहते हैं कि कल अपोजिशन की जमातों के इजलास में वो ये सामने चीजें रखेंगे, और फिर जो सेनेटर साहब ने यहाँ पर बात की है कि जिन लोगों के नाम आए हैं इन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से और PTI के हवाले से कहा कि वो लोग कैसे डिमांड कर सकते हैं थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर से। देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये तो ना कोई ब्लेम है ना काउंटर बैलेंस है इसमें। अगर आप गौर करें तो शरीफ फैमिलीज़ ने जिस तरह इनकार और इकरार के मनाजिल तय किए हैं उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते। और फिर दूसरी बात, मैं ये भी आज पढ़ रही थी, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब खुद भी बेनिफिशरी रहे हैं, और आज मैं पढ़ रही थी, उर्दू में लिखा हुआ था तो इंग्लिश में स्पेल नहीं किया हुआ था अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ, कि कोई शिमरोक कंपनी है जिसके वो खुद मालिक हैं। फिर मैंने कहा कि इनकार और इकरार जिस तरह चलता रहा है तो उसमें ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि जो लोग दो और तीन कंपनीज के मालिक हैं और ज़्यादा लोग हैं उनका, तो हमने जो TORs बनाए हैं और जिसमें हमने ये डिमांड की है कि एक्ट 2016 जो है वो बनाया जाए, और उसमें ये कहीं नहीं है कि किसी और पार्टी के या और जो लोग हैं जिनका ताल्लुक पार्टी से नहीं है उनका उनका तरीक़ाकार ना मालूम किया जाए कि पैसा कैसे गया, किस तरह गया, क्या ट्रेल थी, उन सब के लिए भी वो कानून है। और इसीलिए हमने कहा कि हम शफाफियत चाहते हैं। और जहाँ तक बात है आखिरी वाले मुतालबे की, तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ MQM इनका ये मुतालबा है कि जब तक आपकी तहकीकात हो रही हैं उस वक्त तक आपको जो है वो अपने आप को क्लियर कराना चाहिए। ये वही मुतालबा है जो नवाज शरीफ साहब ने जो है यूसुफ रजा गिलानी से किया था, और ये वही मुतालबा है जब अब एक बात और भी आपको याद होगा कि NRO जो है उसमें 8,500 से ज़रा ही कम लोग थे, लेकिन जो सरबरा होता है बराह रास्त जवाबदेह होता है, और उसमें सिर्फ आसिफ अली जरदारी पे केस चल रहा था, और उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि आसिफ जरदारी साहब कुर्बानी दें। और तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है और उसमें शाह साहब भी रहे हैं, शाह साहब को भी उसकी करप्शन पे इख्तलाफ नहीं है, कोई और इख्तलाफ हो सकता है जिसकी वजह से वो हटे, कि उस पर जो जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में अगर कोई करप्ट है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। लेकिन अब देखें कि केसेस भी चले, स्विस अदालतों में भी हमारे खिलाफ लोग गए, पाकिस्तान में भी हर केस बना, बीबी साहिबा पे भी आसिफ
आपसे जरदारी साहब पे भी, लेकिन जो आखिरी डिमांड है आप वो कहती हैं कि वो जायज है, क्योंकि यही मुतालबा नवाज शरीफ साहब ने उनकी जमात ने आपकी जमात के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो मामला नजर आ रहा है, जो क्रक्स है, हुकूमत जो बात कर रही है कि आप लोग लिमिट करते हैं वजीर आजम और उनके खानदान को सिर्फ, जो अपोजिशन की जानिब से है वो कहते हैं कि नहीं, तमाम लोगों की तहकीकात होंगी जिन जिन के नाम हैं, लेकिन आगाज जो है वो वजीर आजम और उनके अहले खाना से ही होगा। ये जो एक इस वक्त इशू बना हुआ है जिस पर हुकूमत भी इस वक्त थोड़ा सा हटने को नज़र नहीं आ रही, अपना स्टांस अभी तक अपनाए हुए है, इस पर कोई सेंसिबल कॉम्प्रोमाइज, कोई रास्ता आपको नज़र आता है? कि हम तो दियानतदारी से एक मुनासिब रास्ता निकालना चाहेंगे, क्योंकि देखिए डेडलॉक जो है वो सूट नहीं करेगा और उसका नुकसान हो सकता है। हम नुकसान नहीं चाहते, हम जमहूरियत का नुकसान नहीं चाहते, हम इदारों का नुकसान नहीं चाहते। देखिए हकूमत ने गफलत से काम लिया है। अब चले वज़ीर आज़म की फैमिली को एक तरफ रखते, 450 और नाम ही तो था, कहाँ गया आपका FIA, कहाँ गया आपका नैब, ये सारे इदारे खामोश क्यों बैठे हैं? देखिए ना, सब सियासतदान तो नहीं है, सियासतदानों के अलावा भी तो लोग हैं ना। किसी को नोटिस भेजा, किसी को कुछ हुआ? हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में उन्होंने पूरी एक नोटिसेस भेज दिए, उनसे जवाब तलबी कर दी, उनसे अपना पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए उनको दावत दी। तो हर महज़ब मुल्क में, हर महज़ब जमहूरियत में एक जो इदारे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, दे स्प्रिंग इनटू एक्शन। यहाँ कुछ नहीं ठीक है, बट शाह इन इदारों पर तो आपको एतमाद ही नहीं है। इमरान खान साहब भी कई बार जिक्र कर चुके हैं FIA के हवाले से, नाब के हवाले से, ना, 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 तो ये इदारे कार्रवाई कर तो क्या फर्क पड़ता है आप लोग? जी सादिया, फ़र्क ये है सादिया बीबी, फ़र्क ये है कि जब ये इदारे किसी हुकूमत, जब प्राइम मिनिस्टर का, किसी वज़ीर का एहतसाब करेंगे ना, इनके पर जलेंगे, पर जो आम शहरी हैं उन पर तो इनके पर नहीं जलते ना, इन्होंने तो उन पे भी कार्रवाई नहीं की। हमें डर ये है क्योंकि एक हुकूमत में चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, उन पर ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तभी हमने एक इंटरनेशनल रेप्यूटेबल फर्म जिसके पास फोरेंसिक ऑडिट का तजर्बा हो, हमने दरख्वास्त की है कि उसको शामिल किया जाए ताकि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करे, जो कि अनड्यू प्रेशर और इन्फ्लुएंस में ना आए हुकूमत के। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो ऑफशोर कंपनी का जिक्र है, जो उनके लंदन में फ्लैट जो 2003 में बेचा गया उसका जिक्र कर रहे हैं, कल इस हवाले से हुकूमती अराकीन इत्तलात यही हैं, ज़राए यही बताते हैं कि सवाल जवाब होंगे, इस पे आपका क्या लाहे अमल है कि अगर वज़ीर आज़म साहब आपके सवाल के जवाब नहीं देते तो क्या PTI इन सवाल के जवाब देने को तैयार होगी कल पार्लियामेंट के अंदर? PTI असेंबली के सामने भी जवाब दे होने को तैयार है और PTI कमीशन के सामने भी जवाब दे होने को तैयार है। मैं आपको एक आसान हल बता देता हूँ। चलिए नवाज शरीफ साहब को खान साहब, इमरान खान साहब के ऑफशोर कंपनी पे या फ्लैट की खरीदारी पर इतराजात हैं, ओके उनका हक है, ज़रूर कीजिए। नवाज शरीफ साहब खड़े हों एज कायदे एहवान और इमरान खान साहब से सवाल कर लें अपने फ्लैट के बारे में, कैसे लिया, पैसा कहाँ से आया, पैसा ट्रांसफ़र कैसे हुआ, पूरा वो सवाल कर लें, ठीक है, और खान साहब बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब देंगे। उसके बाद जब वो मुतमईन अपने सवालात पूरे मुकम्मल कर लें तो फिर नवाज शरीफ साहब जो इमरान खान साहब ने और दीगर अपोजिशन जमातों ने 7 सवाल रखे हैं उनका जवाब दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कल ही फैसला हो जाएगा। सही, राइट सेनेटर साहब, हाउ इज दैट फॉर एन ऑप्शन, गुड ऑप्शन वैसे, अगर इमरान खान साहब अगर A to Z सारे सवालात के जवाब दे देते हैं। कि शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चूँकि उनकी ये बातें भी बड़ी वजनदार हैं। मसलन ये वो जो उन्होंने पहले कहा कि जितने बाकी लोग भी हैं, आफ्टर ऑल करप्शन इज करप्शन, और हमने किसी बंदे से पर्सनल वेंडेटा तो है नहीं कि किसी से, हम तो चाहते हैं कि हमारा जो मुआशरा है वो करप्शन से पाक हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो ये कह रहे हैं कि सब के साथ नोटिस जाने चाहिए। एंड आई कैन अश्योर हिम कि बिकॉज आई नो
कि ऑलरेडी ये तैयारी हो रही है कि यस जिस जिस की डिटेल्स आई है उन सारों से ये पता किया जाए क्या, और चूंकि अभी किसी को भी मुल्जम नहीं ठहराया गया। मसला तो आप लोगों को इस पे है ना बोन ऑफ कंटेंशन के जी वजीर आजम पे ही और उनके खानदान से ही आगाज करने की बात क्यों कर रहे हैं, उन्हें आप कहते हैं कि लिमिट कर रहे हैं। हम नहीं, अपोजिशन कहती है देखिए बात यह है, आप देखिए कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस भी किया, कहा भी, इंटरव्यूज भी किए, प्रेस को भी उन्होंने कहा कि हमने ये लेटर लिखा है, आपकी TOR भी आई है, आप एहतसाब मुझसे शुरू करें। उन्होंने विदाउट एनी डाउट उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा तो मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा, मतलब ये बात तो हुई ना। और इसी तरह इमरान खान साहब ने भी आई मस्ट अप्रिशिएट ही आल्सो सेड कि मुझसे शुरू करें। तो द पॉइंट इज़ कि फिर आप ये जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम और मड स्लिंगिंग है, क्या इससे कौम को फ़ायदा हो रहा है? तो फिर मैं उन सजेशंस की तरफ आऊँगा जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आप एक कमेटी बनाएं जो बैठ के सर जोड़ के बैठे। देखिए इसमें हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का पर्सन अपने तौर पे भी इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली उनके बेटों की बात आ रही है तो उनसे पूछा जा रहा है कि वो किधर से, और उसको देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं लेकिन उनके आखिरी नुक्ते से आप मुतफिक नहीं हैं किसी और को नामजद कर दें जब तक तहकीकात होती है? ऑब्वियसली मैं उससे बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको सादिया ये बताना चाहता हूँ कि ये जो करप्शन है ना ये सिर्फ मालियाती करप्शन नहीं होती। अगर हमारा आप लोगों से हट जाएं, तारीख इंसाफ ने क्या किया, उसने क्या किया, नून के क्या किया, अगर एज ए पाकिस्तानी मैंने एड्रेस करना है कि मुल्क को अल्लाह ताला करे कि हम करप्शन को कंट्रोल कर लें, ख़त्म तो हम नहीं कर सकते। तो करप्शन है क्या? ये करप्शन का जो कॉन्सेप्ट है या नाम है ये अरस्तू ने आज से कोई 2500 साल पहले एक दफ़ा दिया था। इसके बाद वो कहते हैं कि करप्शन क्या है, करप्शन है फॉर्म ऑफ ए डिसऑनेस्ट एंड अनएथिकल कंडक्ट। ये मॉरल करप्शन भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी है। अगर आप देखें एक पॉलिटिकल बंदे से पूछे ना कि करप्शन क्या है, जो पॉलिटिकल विज़र्ड है, तो वो कहेगा मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी एक करप्शन। अगर आप एक बैंकर से पूछे तो वो कहेगा, जो रिनाउंड बैंकर है वो कहेगा ये जो रोड लोन लेके डिफॉल्ट करके खा जाते हैं। सही है। अगर मतलब आप एक बैंकर से सारी टाइप्स हैं करप्शन अगर आप देखें ना, अगर आप एक हुकूमत के फाइनेंशियल विजर्ड से पूछे तो वो कहेगा टैक्स एवेजन जो है वो सबसे बड़ी है। तो टैक्स एवेजन का ही ये मामला जो पैनामा लीक्स में नजर आ रहा है। मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि अब तो खुद सदर ममनून हुसैन साहब का भी ये बयान आ गया है कि पैनामा लीक्स में जिन जिन के नाम हैं वो बचेंगे नहीं, और भी लोगों के नाम आएंगे और ये कुदरत की तरफ से आया है सामने। तो क्या वाकई इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है इस मुल्क से करप्शन या जो करप्शन से जुड़ी बुराइयाँ हैं, खामियाँ हैं, उनके खात्मे के लिए? इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शैला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो भी सवालात हैं कल पार्लियामेंट में कर लिए जाएं, वो तमाम सवालात के जवाब देने को तैयार होंगे। फिर दूसरी जाने वजीर आजम साहब की बात करें तो सैनेटर साहब कहते हैं कि जी वजीर आजम ने तो सबसे पहले अपने खानदान को, खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि जी हमारे अगर किसी बंदे का नाम आता है तो ज़रूर हम उनसे भी पूछा जाना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो फिर मामला लटका कहाँ पे है, मसला क्या है कि ये चीज़ें हल होने की जानिब दिखाई नहीं दे रही अभी तक? मामला लटका वहाँ से है जब वो टीवी पे तो खिताब करते हैं लेकिन असेंबली में नहीं आते। मामला लटका वहाँ से है जब वो असेंबली में आने के बजाय जलसे करते हैं और उनके वज़रा और वो उनके सामने लोगों की टांगे तोड़ने की, लोगों को जानवर बना के भौंकते रहने की हिदायत करते हैं और वो मुस्कुरा कर उन्हें देखते रहते हैं। और मामला वहाँ से बिगड़ा है जब बुरी बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। जहाँ तक बात है, अगर हम न्यूजीलैंड को देखें तो वहाँ के वज़ीर आज़म सिर्फ सुन नहीं रहे थे और वहाँ पर देखें क्या रिएक्शन हुआ है, और जबकि उनका नाम नहीं था लेकिन जब इस पे बात हो रही थी। और हमारे यहाँ जो है वो कहा जा रहा है कि नहीं जी मैं जवाब दे नहीं हूँ। तो दूसरी बात जो एक और मैं कहना चाह रही थी वो ये कि देखिए, इदारों का काम ये नहीं है कि हमें उन पे एतमाद नहीं है,
उन्हें अपना काम करना है। हमें तो एतमाद उस वक्त भी नहीं था जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक गलत केस में गलत तरीके से फांसी दी गई, लेकिन उसके बाद वो आर्टिकल इस काबिल नहीं रहे कि उनको किसी और पे लगाया जाता, लेकिन अगर इदारे अपने फैसले देते हैं तो उनको माना जाता है। नतीजा ये हुआ कि माई लॉर्ड कहता हुआ एक पहला मुंतखब वज़ीर आज़म फांसी पर चढ़ गया। इदारों ही की वजह थी कि हम समझ रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी पे गलत डिसीशन हो रहा है, लेकिन इदारे की बात मानी गई। इदारों को अपने होने का वजूद दिखाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमें एतबार नहीं, लेकिन हम आसिम को, डॉक्टर आसिम साहब जो हैं वो आज 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम उनके आगे सर झुकाए खड़े हैं। तो इदारों को तो अपना किरदार अदा करना होगा। इदारों का ये काम नहीं है कि हुकूमती मुखालिफिन पे तो आप हर हद तक चले जाएँ। जितनी इदारे की बजट नहीं है आप कहें कि जी डॉक्टर आसिम ने इतना कर लिया, तो इदारे को तो अपना काम करना है, चाहे उनको बाल तराशने की, पर्व तराशने की धमकी दी जाए या नाखून तराशने की। तो ये रीज़न नहीं है कि अगर हमको एतमाद नहीं है तो आप हम ही पे करेंगे कार्रवाई। दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिसने भी ऑफशोर कंपनी बनाई है, बात ये नहीं है कि वो इलीगल है, असल बात यह है कि पैसा कहाँ से गया, किसने किया। चाहे अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो वो किसी भी जगह पे करें, वो नहीं करना चाहिए, उसका जवाब दे तो होना है सबको, और कौम तो हिसाब मांग रही है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये तो मैं सेनेटर साहब से जानूंगी, जो शैला साहबा ने भी यहाँ पर नुकात उठाए हैं, जो तनकीद होती है कि वज़ीर आज़म साहब इंपॉर्टेंस नहीं देते, पार्लियामेंट में नहीं आते, उस पर भी बात करेंगे इनसे। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, ख़ासकर जो हुकूमती जमात आप पर तनकीद करते हुए उन लोगों का नाम लेती है कि जिससे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो कहते हैं कि जी नुकसान पहुँच रहा है, उनको ATM मशीनें कहकर भी मुखातिब किया जाता है, कहा जाता है कि इमरान खान साहब के जो लोग दाएं और बाएं जानिब खड़े हैं, क्या वाकई में हुकूमत का ये मौकफ दुरुस्त है कि उससे इमरान खान साहब को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर लेकर आया जा रहा है कि हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन की जमात खासकर PTI तहकीकात में संजीदा नहीं है? हुकूमत को किसने रोक रखा है? हुकूमत कार्रवाई करे। हुकूमत समझती है कि किसी ने कानून शिकनी की है, किसी ने गबन किया है, किसी ने काला धन कमाया है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर मुंतकिल किया है, जी टैक्स एवेजन की है, तो हुकूमत के पास पूरा हक है। आप हुकूमत में हैं, हम तो हुकूमत में नहीं है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, कार्रवाई कीजिए। हुकूमत अगर समझती है किसी ने लोन्स के राइट ऑफ करवा लिए हैं और मुल्क के ख़जाने को लूटा है, बिस्मिल्लाह आप कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है आपको? तहरीक इंसाफ का अगर कोई मेंबर है, आप समझते हैं कि उससे कोई कसूरवार है, तो बिस्मिल्लाह वो जवाबदेह है, वो भाग रहा तो नहीं है, वो मुल्क से बाहर तो मुंतकिल नहीं हो रहा है, वो तो किसी मौहदे के ज़रिए मुल्क से फरार तो हासिल नहीं करना चाह रहे, वो मौजूद हैं, यहाँ बैठे हैं, जवाबदेह हैं, असम्बली को जवाबदेह हैं, जुडिशल कमीशन को जवाबदेह हैं, अल्लाह को जवाबदेह हैं, आवाम को जवाबदेह हैं। ठीक है, ठीक है। ये सेनेटर साहब, ये वाली बात, क्योंकि कल इसका जिक्र परवेज़ रशीद साहब ने भी किया था, उन्होंने 6 लोगों के नाम लिए थे PTI के, कि जी इमरान खान साहब का भी, अली खान साहब, जहांगीर तरीन, फिर इसके अलावा जो इनके सूबाई वज़ीर तरक़ई, सेनेटर इमरान खान साहब की हमशीरा। वो बात दुरुस्त है कि फिर उन लोगों के नाम लेने का क्या फ़ायदा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनफैक्ट PTI के नईमुल हक साहब ने तो कल चैलेंज किया था हुकूमत को कि जी 48 घंटे के अंदर अब इनके खिलाफ कार्रवाई अब शुरू करें। और जो शैला साहिबा का नुकता है वो भी बड़ा अहम है, वज़ीर आज़म साहब पार्लियामान में नहीं आ रहे, इनफैक्ट वो एक जो उनका कैंपेन स्टाइल पॉलिटिक्स है वो नज़र आ रही है, अवामी राबता मुहिम चल रही है, उसमें वो दहशतगर्दों से तशबीह दे देते हैं अपोजिशन की जमातों को। देखिए, जिस दिन ये पानामा के पेपर्स की बात हुई, उससे अगले दिन ही बोथ हाउसेस के अंदर, पार्लियामेंट के, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में ये पॉइंट उठाया गया, और स्पीकर ने भी और चेयरमैन सेनेट ने भी बिल्कुल सारी कवायद को रोक के ये कहा कि इस पर डिस्कशन होगी। हम उसके ऊपर बोले, कुछ 30-35 या 40 बंदे स्पीकर तो सेनेट के अंदर थे, थ्रेड बेयर इसके ऊपर डिस्कशन हुई और दोनों तरफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। हमारे पास राजा जफरुल हक साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं, इधर हैं, और हर किसी ने अपनी अपनी ओपिनियन दी जो सारी प्रांशों को कन्वे हुई। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को आना तो बड़ा ज़रूरी है और वो आएंगे। आप भी ये समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए? फॉर श्योर, फॉर श्योर मैं समझता हूँ कि उन्हें आना चाहिए, लेकिन पब्लिक के पास जाना उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कि जब आपने, आपको देखो ना, पार्लियामेंट में तो आप 300 या 400 बंदों के साथ बात कर रहे हैं,
जब आपको टेलीविजन के ऊपर आप आते हैं तो पूरी कौम को कर रहे हैं आप जब इलाके के अंदर अवामी राबता मुहिम वो जब बाहर लंदन में इलाज करा रहे थे अवामी राबता मुहिम उनके गुजरा हमें आके बता रहे थे कि उन्हें आराम के लिए कहा गया वो जैसे ही वापस आए तो जलसे करने लग गए। बात ये है सादिया कि ये जो पोलिटिकल लोग हैं ना इनका जो सारा एक खजाना है वो पब्लिक के दिलों के अंदर जो इनके मुतालिक परसेप्शन है वो होती है। ये कोई टैंक या तोप के साथ तो हुकूमत में आते नहीं, इनका तो ये खजाना है कि लोगों के अंदर इनका और जब तो इनके खिलाफ में भी तो आवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं ना जब वो भी वोट्स पूरी पार्लियामान से अलावा जब ये 50 चैनल भी उसके अंदर धड़ाधड़ के एज इफ को डाका मारते हुए बंदा पकड़ा गया और प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है फौरी तौर पर एक अटैक जिन लोगों को बहाना चाहिए था तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक परसेप्शन को या उनको बताने तो मतलब के लिए इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को छोड़े नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा पार्लियामेंट को छोड़े। मैं कहता हूँ पार्लियामेंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाई और मैंने कहा दैट इज व्हाई उधर डिस्कशन हुई और अभी प्राइम मिनिस्टर भी कल आ रहे हैं और बाकी जो ये बात हो रही है ना कि बाकी लोगों के ऊपर उनके ऊपर भी जरूर हर किसी की तफ्तीश होगी। ये TORs इसीलिए तो बन रही है इसलिए तो सर जोड़ के बैठ रहे हैं। अब जो दुख की बात है ना वो सिर्फ ये है कि जो मुलजम है खुद जिनके ऊपर इल्जाम है वही मुद्दई है और शोर भी सबसे ज्यादा वो कर रहे हैं। आपने अभी बिलावल की बात सुनाई और दूसरा आप सारी तरफ से देख रहे हैं कि ये वो इस्तीफे का जो लेकिन लेकिन अभी गुड सेंस बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह विल प्रीवेल। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि आप अब कह रहे हैं कि TORs पर सब मिलकर बैठ रहे हैं तो यही चीज पहले हो जाती है। देखिए ये शायद ये वाला विकास पहले तो सिर्फ चार्ज किया ना हुकूमत के ऊपर आपने ये कहा कि ये अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापस आते हैं शैला साहब आप बात करना चाह रही हैं बस ब्रेक से वापस आकर आपकी बात सुनते हैं एक वक्फा ले लें। जी जी शाह साहब आपकी तरफ भी आते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही थीं और सेनेटर साहब के उस नुक्ते पर आप मुस्कुरा भी रही थीं कि पार्लियामेंट में भी आएंगे लेकिन अब आपको समझ आ गया ना कि वजीर आजम साहब भी जो मीडिया का स्टाइल है या उसकी जो पावर है जलसों की जो पावर है जिनको मीडिया कवर करता है वो वजीर आजम साहब को भी समझ आ गई है। देखिए बात यह है कि बहरहाल वजीर आजम को पार्लियामेंट में तो आना ही चाहिए लेकिन जिस तरह वो पार्लियामेंट में नहीं आए और उन्होंने आवाम ही के मुंतखब नुमाइंदों से ज़्यादा वह अपनी कैंपेन के साथ साथ वहाँ पे बोलना गवारा किया तो मैं क्या समझूँ क्या कल वो आकर अपने तमाम जो उनके हिसाब हैं क्या वो सारे जो हैं वो गोशवारे जो हैं क्या वो उसकी तफसील देंगे या वो भी किसी जलसे में देंगे। दूसरी बात जो मुझे वो पूछनी है वो ये है कि कहनी है बल्कि कि अब ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई जस्ट कयूम साहब की बात से कि ये एक डिलेइंग टैक्टिसेस थी क्योंकि एक जिस पर इल्ज़ाम है वो खुद कैसे TOR बना सकता है और वो खुद कैसे कमीशन के लोगों को मुंतखब कर सकता है ये वो बातें थी जो आईं लेकिन इसको भी टाला गया और फाइनली जो है जब लेकिन वो तो उल्टा आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग जवाब वही आया उसका जवाब वही आया जो अपोजिशन कह रही थी कि आपके जो TORs हैं उससे तो एक सदी भी लग जाए तो कोई नहीं निकल सकेगा तो अब जब वहां से ये जवाब आ गया है तो मैं समझती हूँ कि कुछ जो है वो टर्न आया है उनकी पॉलिसी में। अदरवाइज वो तो कैंपेन के लिए निकल खड़े हुए थे अपने वुजरा की जबान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लेकिन ऐसा नहीं है। जमहूरियत इसी का नाम है कि जमहूरियत अकाउंटेबिलिटी चाहती है और आपको कल अब गोशवारे में समझती हूँ कि फिर इसका मतलब है कल नहीं आ रहे अगर कयूम साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो इसका हिसाब नहीं दे रहे चले और शाह साहब अगर गोशवारे कल भी नहीं आते ये जवाबात नहीं आते तो फिर क्या होगा। सादिया मैं ऐसा करना चाहूंगा जी 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 शाह साहब जी मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। नंबर एक आप फरमा रही थी कि वज़ीर आज़म तशरीफ़ नहीं लाते वज़ीर आज़म को छोड़िए मेंबरान तशरीफ़ नहीं लाते नून लीग के मेंबरान तशरीफ़ नहीं लाते पिछले 5 असेंबली के दिनों में आपने देखा कि कोरम टूटता रहा। अब कोरम कैसे किसका काम है पूरा करना हमारा काम तो नहीं है
اپوزیشن کا کام تو نہیں ہے. حکومت کے پاس اتنی واضح اکثریت ہونے کے باوجود یہ اسمبلی میں 86 ممبران نہیں بٹھا پا رہے اور 5 دن مسلسل کورم ٹوٹتا رہا. اب آ جائیں کیبنٹ, کیبنٹ میٹنگس 2-2 ماہ گزر جاتے ہیں, کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں سی سی آئی کا اجلاس, ایک آئینی فورم ہے, اس کا اجلاس نہیں بلایا جاتا. اور پھر آپ کو میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا, حکومت کو سننی بھی چاہیے نا اپوزیشن کی, اور کئی دفعہ وہ اپوزیشن کی بات اگر سنتی ہے تو اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے حکومت سے کہا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں یہ مت کیجیے, نقصان دہ ہوگا. ہماری بات نہ سنی گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر بل آخر ایک نیا بل آنا پڑا, ایک نیا کمپرومائز کرنا پڑا, ایک اسپیشل کمیٹی بنانی پڑی, اور پھر اس پرائیویٹائزیشن کے معاملے کو ترک کرنا پڑا. ہم نے حکومت سے کہا کہ جو آپ 9ویں مرتبہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے کے آ رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوگی. ہماری بات نہ سنی. اور آپ نے دیکھا کہ 10 لاکھ نئے جو ٹیکس فائلرز ان نے اکٹھے کرنے تھے وہ کہاں گئے؟ نہیں آئے نا. نیا بجٹ آ گیا, کئی مرتبہ تاریخ بڑھائی گئی, آگے نہیں ہوا. تو اگر حکومت نہ سنے, اپوزیشن تو تجویز کر سکتی ہے نا, ہمارے پاس اکثریت تو ہے نہیں کہ ہم اپنی اکثریت کے بل بوتے پر ڈکٹیٹ کر سکے. ہم تجویز دے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی سننے والا ہو, ٹھیک ہے, کوئی سننے والا نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ صحیح. اور وہ جو تجاویز ہیں سینیٹر صاحب, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کی جس طرح سے شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر فائدہ ضرور اٹھایا جا سکتا تھا؟ انفیکٹ آپ نے تو وہ سب کو, کہتے ہیں نا, ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا. وہ پیپلز پارٹی جو دھرنے کے دنوں میں آپ کے ساتھ تھی, یا وہ اعتزاز احسن صاحب کی تقریر بھی ہمیں یاد ہیں, اب اعتزاز صاحب بھی آپ کو ویلن لگنے لگے ہیں. یا دیکھیں, شام قریش صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت ان کی جو بھی تجاویز سننا چاہیے, ضرور ضرور سننا چاہیے. اور فار شور ہم نے ان کی تجاویز سنی. تو پی آئی اے میں کے لیے اپنی ساری میجارٹی کے باوجود ہم سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک متفق کا فیصلہ کیا. اور بھی آپ قومی سطح کے اوپر دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان بنا, اور جو دہشت گردی کے معاملات ہیں سی پیک کے اوپر ہے, یعنی پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہو کے جہاں ہم نے ساری پارٹیوں کو بھی بٹھا کے مشاورت بھی کی اور ان کی بات بھی سنی. اور وہ ضرور یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں بات سننی چاہیے, لیکن پھر حکومت جو کرتا ہے اس کے کندھوں پہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر حکومت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجکاری کے ان اصولوں پہ چل کے ہمارا جو براڈر کانسیپٹ ہے ملک کی اکانومی کو چلانے کا, اس کے یہ پرنسپلز ہوں گے, تو آپ کو ایک جو مائنارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے ریزلٹس پروڈیوس کرنے. ٹھیک ہے, بٹ سر اس معاملے پہ بھی آپ کو اب ریزلٹ پروڈیوس کرنا پڑے گا, کیونکہ اتنے عرصے سے 5 ہفتے سے معاملہ لٹکا ہوا ہے, اور ایک جو پریویلنگ سینس ہے آف گورنمنٹل پیرالیسس, اس کو اب دور ہونے کی ضرورت ہے. سٹار میں ان دی ٹی کپ, آئی کین اشور یو کہ اس کے اوپر ساری بات طے ہوگی, اور بیٹھ کے بات. لیکن بیٹھ کے بات آپ صرف پرسن اسپیسیفک لا نہیں بنا سکتے کہ آپ ایک لیگل کمیٹی بنائے اور ان کو کہیں پرائم منسٹر کو کیسے ہم نے ہتھ کڑی لگانی ہے. کڑوکی آپ نے کرپشن کو ان ایسنس کیا, آپ مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور ان دی کنٹری. آپ کے جو ڈیفالٹس ہیں, آپ کے جو ٹیکس ایویژنس کی باتیں ہیں, اجارہ داری مناپلی ملک کے اندر کیسے ختم کی جاتی ہے. سر آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ایک مائنورٹی گروپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ آج آپ کے پروگرام میں دفاع کر لیتے ہیں, اپوزیشن کے ویوز کی قدر کرتے ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک پارلیمانی نظام میں میجارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. جی شاہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں مائنورٹی گروپ ڈکٹیٹ نہ کرے, میجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے جو ان کے پاس ہے. نہیں دیکھیے, میں تو آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں جو جل صاحب فرما رہے ہیں, جل صاحب دیکھیے, جل صاحب بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. دیکھیے, مسلم لیگ میں جنرل قیوم جیسے لوگ بھی ہیں, جنرل قادر بلوچ جیسے لوگ بھی ہیں, آپ کا بھلاؤ اسحاق ڈار جیسے لوگ بھی ہیں, مصدق ملک جیسے لوگ بھی ہیں جو منطق سے بات کرتے ہیں. ان لوگوں کو خدا را آگے لاؤ, بات کراؤ, ان کو مطلب ہے کیبنٹ پوزیشنز دو, ان کو اچھے مقام دو تاکہ آپ کا مقدمہ لڑ سکیں. اب ان کے پاس ایک گینگ آف فور ہے, وہ جب آتے ہیں, جب منہ کھولتے ہیں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, حکومت کا کیس برباد کر دیتے ہیں. اس گینگ آف فور سے بچو اور سمجھدار زی وقار لوگوں کو, ایسے جنرل صاحب جیسے لوگوں کو موقع دے. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ حکومت اپنے رویے پر نظر ثانی کرے, اور حکومت اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں کہتا ہوں آج اتفاق کر لیتے ہیں آپ کے پروگرام پہ, میں کہہ رہا ہوں آئیے جنرل صاحب, آئیے نون لیگ, ہماری تحریک جو ہے کرپشن مٹاؤ ملک بچاؤ, اس میں شامل ہو جائے.
تاکہ اس ملک سے کرپشن کا ہم تدارک کریں, اور جب تک اس ملک میں کرپٹ ایلیمنٹ رہے گا, کرپٹ لیڈرشپ رہے گی, کرپٹ ادارے ہوں گے, پاکستان نہیں کر سکتا. ہم سی پیک لے آئے, ہم کچھ نہیں آئے. اس تجویز کو ایکسپٹ کرتا ہوں, ہم کرپشن وکاؤ کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں, اور ان کو خود پتہ ہے, تجربہ بھی ان کو ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیسے کے بل بوتے پہ تحقیقات کر لینا. وی آر ریڈی ود آل پارٹیز, تحقیقات کریں, کاروائی کریں. رائٹ, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور شیلا رضا صاحبہ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پانچ تجاویز جو شاہ محمود صاحب کی تھیں وہ تو اپنی جگہ چلیں اہم ہیں ہی, لیکن آخری تجویز جو انہوں نے حکومت کو دی کہ اس معاملے میں یہ جو پاناما لیکس کا ایشو ہے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور جو گینگ آف فور ہے اس کو اس معاملے سے دور رکھیں. اسی پر پروگرام کلوز کرتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.